नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज में आपका स्वागत है। जौनपुर के मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर इटाए गांव में गुरुवार की रात पट्टे के भूमि विवाद को लेकर पटेल जाति व वनवासी समाज मुसहर के लोग आपस में भिड़ गए थे, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव से सीओ मड़ियाहूं राजेंद्र प्रसाद समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद पहुंची पुलिस फोर्स ने विवाद सुलझाने गए हुसैनपुर गांव के चौहान जात के कुछ लोगों पर पिटाई की, उनके घरों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद भयवश चौहान जात के लोग गांव से पलायित हो गए। घटना की जानकारी जफराबाद विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह के नगर स्थित कार्यालय पर लोगों ने पहुंच कर दी तो ग्रामीणों के साथ विधायक स्वयं पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाधम थे। उन्होंने एसपी से बेवजह निर्दोषों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की तथा गांव में स्थिति को फिर से सामान्य करने की बात कही। कल झगड़ा हुआ था हमारा, वहाँ पर हमारी चाचा की दुकान थी, वहाँ पर मुसहर लोग थे, वहाँ पर ये लोग मार रहे थे। हाँ, दूसरे झगड़ा हुआ था, उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए छुड़ाने के लिए, तो हम लोग को मार के हमारे जो चाचा उचा थे सबको बंद कर दिए। उसके बाद वहाँ पर हम लेडीज़ लोग बोल रही थी छोड़ दो छोड़ दो, तो लेडीज़ लोग को 100 नंबर वाले मार रहे थे। और मारने के बाद रात में घर पे आए, हम लोग घर पे आए तो वहाँ पर सब लोग को रात में घेर घेर के घर में घुस के मारे, हम लोग का सब ताला वाला तोड़ दिए, हमारा हम लोग का घर से दरवाजा वरवाजा सब तोड़ के मारे। और हम लोग अभी रात से भागे, अभी खाना वाना नहीं खाए। क्या नाम है? शक्ति चौहान। महिलाओं को कौन मार रहा था? पुलिस वाले। पुरुष पुलिस? हाँ, पुरुष मारे, लेडीज कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पर। क्या किसी महिला को चोट भी आई है? हाँ, लगी है। कहाँ पर? यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। बच्चे को भी मारे हुए हैं, 14 साल के बच्चे को भी मार दिए, 14 साल की लड़की को मार गए हैं। थाने पे ले जाके बाहर से फिर छोड़ दिए घर पे ना मारने के बाद। कल कितने बजे की घटना है ये? वही लमसम नहीं, 9-10, 10-11 बजे से। 9-10 जोर से बोला, जोर से बोलिए। क्या मामला था कल? कल जो हुआ सर कि दूसरे से पटेल और जो है कि वनवासी लोग से झगड़ा हुआ था, इसलिए जो है कि हम घर का औरत गई, मारपीट हुआ था वहाँ पे, ये लोग गए देखने के लिए। जो है कि हमारे चाचा उचा का दुकान था, वो लोग जो है अंडा संडा तोड़ फोड़ दिए थे पटेल जी, तो हम लोग गए समझाने के लिए, वो लोग भाग गए। 100 नंबर पहुँची, हम लोगों को मारा पीटा और 3 आदमी को पकड़ के बंद कर लिए। जो है बंद करने के बाद साहब हम लोगों का इरादा भर औरत बोली कि चलो उन लोगों को छुड़ाए, हम लोगों की गलती तो क्या है, दूसरों से झगड़ा हुआ है। तो जो है साहब गए वो लोग, तो इसके बाद औरत को मारे, तो भाई जो है कि औरत को मारने के बाद जब औरत को मारे तो आदमी से बड़ा लाभ है, आदमी कुछ दो गौरव किए, तो जो है कि सब समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद सर जो है कि 1 घंटे बाद जो है ये लोग जो है प्रशासन बुला के घर में घुस घुस के सब कुछ मारे हैं, जो है पेटी ताला सब तोड़ फोड़ दिए हैं। और हम लोग जो है कल से जो है हम लोग अभी अन्न पानी से भी नहीं भेंट हुआ है हम लोग, क्योंकि भागा भागा फिर रहे हैं, घर पे भी नहीं जा रहे हैं। कितनी महिलाओं को चोट लगा है? जो है साहब 3 हो गए। क्या नाम है? हमारा जितेंद्र चौहान। विधायक जी, क्या मामला है, आज एसपी ऑफिस आना पड़ा आपको? कल शाम को करीब उनको लगता है कि 7-8 बजे एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया, राम बाबू गुप्ता हमारा बूथ अध्यक्ष इटाए का, उसने फ़ोन करके बताया कि पूरे गांव में पुलिस का तांडव चल रहा है। और मैंने उसके बाद कप्तान से बात करने की कोशिश की, वहाँ के मड़ियाओं के कोतवाल से बात करने की कोशिश की, तो बात नहीं हो पाई। सुबह जो उसमें जो घटना की जानकारी मिली, उसमें घटना हुआ था कि बगल का गांव इटाए से सटा हुआ गांव हुसैनपुर है, हुसैनपुर में लैंड को लेके मुसहर समाज और पटेल समाज के लोगों में लंबे समय से डिस्प्यूट है। उस डिस्प्यूट को लेके कल ज्योतिया पूजन के बाद उन लोगों में विवाद हुआ
और विवाद समाप्त भी हो गया स्वतः, उसी में से किसी एक मिस्क्रिएंट ने जाके सड़क पर, प्रधानमंत्री सड़क गई है इटाने से जो दोनों गांव जोड़ती है बीच से, उस सड़क पर एक चौहान परिवार लड़का है, उसकी छोटी दुकान है, सब्जी के अंडे वंडे की दुकान है, उसमें किसी ने तोड़फोड़ कर दी। और उसके बाद एकाएक लोग जानकारी भी नहीं, कोई घटना में लोग सलिमता नहीं, चौहान लोगों की पीवीआर बैंड के सिपाही आए और पूरा उस चौराहे पे तोड़ना फोड़ना, दुकान पे जो महिलाएं बच्चे सबको मारना, और दो ही चौहान लोगों को घसीट के अपना गाड़ी में बैठाना शुरू किया। तो महिलाओं ने प्रतिवाद किया क्योंकि उन लोगों कोई भूमिका नहीं थी। ये मूल रूप से विवाद जो था पटेल और मुसहर समाज के लोगों था, चूँकि दोनों की गाँव के बीच से ही सड़क जाती है, कॉमन रास्ता है, तो चौहान के लोग महिलाओं कुछ नहीं मिले, खाली थोड़ा प्रतिरोध हुआ होगा निश्चित रूप से, भाई जो पता है कि हमारे घर के व्यक्ति का कोई नहीं है। उसके बाद पूरा दो घंटे तो उस गांव में तांडव चलता रहा, महिलाओं को मारा गया, कई के फ्रैक्चर हुए, कई की चोटें आई, पूरा गांव आया। भाई ये सुबह तीन चार लड़के मेरे कार्यालय पाए, चार पाँच, तो दो तीन तो नंगे पाँव भागे थे, सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया था, नंगे पाँव थे, मैंने चप्पलें मंगवाई, इनको नाश्ता कराया, पूछा विषय तो उन्होंने बताया। मुझे लगा कि इस तरह का, और ऐसी घटनाएं लगातार जनपद जौनपुर में हो रही हैं। अभी जो घटना आपको जलालपुर चौराहे पर देखने को मिली होगी, राजभर समाज के लोगों का उत्पीड़न हुआ, यहाँ की घटना देखी, अभी लाइन बाजार वाली घटना देखी थी कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि इनको लगता है कि इनके अगर कोई समाज का व्यक्ति, आम व्यक्ति अपनी बात भी सहजता से कहे तो इनको लगता है कि इनके सम्मान में कोई कोई गुस्ताखी हो रही है, और वो जब रिएक्ट करती है तो समाज से भी स्वाभाविक जो रिएक्शन होता है उसकी परिणति ऐसी घटनाओं में होती है। तो मैं आज कहने आया था अपने कप्तान साहब से कि इस घटना की पूरी जांच करा लें, उन्होंने आश्वस्त भी किया कि मैं मजिस्ट्रेट की जांच करा रहा हूं, और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जो निर्दोष चौहान लोगों का उत्पीड़न किए, उनकी दुकानें तोड़े, उनके मारपीट की, जिन्होंने महिलाओं को मारा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये आश्वासन दिया है। और आज शाम तक उस गांव सभा में लगभग सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, यहां तक कि जानवर लेके भी घर से लोग बाहर चले गए हैं, शाम तक उस गांव में सामान्य स्थिति बहाल करने का उन्होंने आश्वासन दिया। सूबे के मुखिया जो है लगातार अपराध नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन खाकी वर्दी की गुंडागर्दी लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सजग हैं, निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम, जो संगठित अपराध होते थे उसमें बहुत कमी आई है, बड़े अपराधियों पर बहुत कठोर कार्रवाई भी हुई है, बहुत सख्त कार्रवाई भी हुई है। तो जो इस तरह के तराम शराब माफिया और माफिया, भू माफिया, इन पर अंकुश लगा है। ये घटनाएं जो छिटपुट होती हैं ये समाज में, ये निचले स्तर पे कुछ पुलिसकर्मियों का व्यवहार आचरण में सरकार के मनसानुरूप परिवर्तन नहीं आ पाए हैं, उनके रिएक्शन में इस तरह की घटनाएं होती हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी जल्दी ऐसे दो चार दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, ताकि ये स्थिति आगे इस तरह की रिपीटेशन न हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।